दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अभी अभी लगभग सभी बोर्ड का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से बोर्ड से कितने कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 की तैयारी कर रहे तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अपने अपने बोर्ड का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट देखने के लिए आप सभी को आना है indianrailway.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां से आप अपने अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। दोस्तों, हम एक एक करके देखेंगे किस बोर्ड से कितने कैंडिडेट चयनित किए गए हैं। दोस्तों, ये पटना बोर्ड का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ है और पटना बोर्ड से आप देख सकोगे कि कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, 13 से 40 कैंडिडेट का चयन किया गया है और दोस्तों इसमें सबसे कम कट ऑफ गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों, मालदा बोर्ड की बात करते हैं तो दोस्तों मालदा बोर्ड का भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ है और दोस्तों यहां पर भी आप देख सकोगे कि कितने कैंडिडेट मालदा बोर्ड से चयनित किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों, मालदा बोर्ड से 2616 कैंडिडेट का चयन किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट बोर्ड की बात करते हैं जो कि है चेन्नई बोर्ड। चेन्नई बोर्ड की भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है, टोटल 21 पेजों की ये पीडीएफ है। जी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का चयन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 4551 कैंडिडेट का चयन किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बोर्ड की, जो कि है बेंगलुरु बोर्ड, और बेंगलुरु बोर्ड से कितने कैंडिडेट चयनित किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। टोटल 22 पेजों की ये पीडीएफ है और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकोगे, टोटल 4892 कैंडिडेट का चयन किया गया है बेंगलुरु बोर्ड से। दोस्तों, नेक्स्ट बोर्ड की बात करते जो कि है मुजफ्फरपुर बोर्ड, और मुजफ्फरपुर बोर्ड से कितने कैंडिडेट चयनित किए गए तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल 1272 कैंडिडेट का चयन किया गया है मुजफ्फरपुर बोर्ड से। इसके अलावा अलाहाबाद, अजमेर और सिलीगुड़ी तिरुवनंतपुरम बोर्ड का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ है। इसके पहले हमने आप सभी को अपडेट किया था। अपने अपने बोर्ड का लिस्ट देखने के लिए और साथ ही साथ अपना शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का स्टेटस चेक करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिवर्सल लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अपने अपने बोर्ड का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्टलिस्टेड स्टेटस भी देख सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर की बुक की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप आरआरबी एनटीपीसी की सबसे बेस्ट बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं।